नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजधानी पटना में जल्द ही बनेगा एक और 6 लेन पुल। बिहार में वनपाल और वनरक्षक के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। बिहार में सभी मठ मंदिरों का इस दिन होगा रजिस्ट्रेशन। सिवान की प्रियांशु की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। बिहार के सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजधानी पटना में जल्द ही बनेगा एक और 6 लेन पुल। जेपी सेतु और गांधी सेतु के बाद पटना में अब जल्द ही एक और 6 लेन पुल बनने जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। पटना में बनने वाली ये नई 6 लेन पुल का निर्माण जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु से भारी वाहनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसके सर्वे का काम हो गया है। केंद्रीय टीम ने इसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और केंद्र सरकार को सौंप दिया है। उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों के लिए फिलहाल जेपी और गांधी सेतु का ही सहारा है। तीसरे और एक 6 लेन पुल के बनने के बाद पटना की दूरी काफी कम हो जाएगी और उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बई हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। वो एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट सुधा और योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चीन आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं लिखी जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन, कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। 17 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया था। 1933 में 62 कविताओं का इनका पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था। पंची रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा इसके काव्य और गीत संग्रह हैं। बिहार में वनपाल और वनरक्षक के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल की तरफ से बिहार में वनपाल और वनरक्षक के पदों के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वनपाल और वनरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने अब ये परीक्षा दी है वो विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भर्ती के द्वारा वनपाल के 236 पदों पर और वनरक्षक के 484 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। बीपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी शक्ति कुमार की बढ़ी मुश्किलें। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अपनी भद पिटवा चुकी बिहार की नीतीश सरकार अब इस मामले में संलिप्त लोगों को एक के बाद एक पकड़ने का काम कर रही है। इसी बीच अब इस मामले में बिहार में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य सरगना बने शक्ति कुमार को एक और करारा झटका लगा है, जिसके तहत ही शक्ति कुमार का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ शस्त्र लाइसेंस जारी करने में पूर्व डीएम के साथ साठगांठ होने की बात भी सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शक्ति कुमार को 21 दिसंबर 2021 को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया गया था। बिहार में सभी मठ मंदिरों का इस दिन होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के सभी मठ मंदिरों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया इन दिनों जारी है। इन काम में अब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से जुड़े मठ मंदिरों की जानकारी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सुनिश्चित करने का काम किया है कि वो किसी भी हाल में मंदिरों और मठों के पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ले। राज्य के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने बीते दिन इस बात की जानकारी दी। साथ ही कहा कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बीएसआरटीसी में अपना पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार को मजबूरन अन्य प्रशासनिक विकल्प तलाशना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली रिक्तियां। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेषज्ञ अधिकारी के कुल मिलाकर 325 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक और पीजी डिग्री या फिर वित्त में डिप्लोमा, सीए, सीएमए, सीएस और संबंधित क्षेत्र में 5 से 10 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। किशनगंज के नेहरू शांति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अगर आप किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास में हैं और आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है तो आप वहां से 1 किलोमीटर दूर नेहरू शांति पार्क जा सकते हैं। पार्क में झरने, तालाब और खूबसूरत पेड़ पौधे, फूलों के साथ एक गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसे देखने के लिए लोग आज भी वहां जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट की सीबीटी परीक्षा के दौरान इस तरह होगा वेरिफिकेशन। काफी बवाल के बाद रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की लेवल 1 पोस्ट की सीबीटी
परीक्षा का आयोजन जल्द ही होने वाला है। हालांकि इस बार परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे इसको लेकर रेलवे ने खास तैयारी की है, जिसके तहत ही परीक्षा देने वाले छात्र ध्यान रखें कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आधार वेरिफिकेशन होने वाले हैं। आरआरसी ने अपने नोटिस में कहा है कि सीबीटी परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उनका किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड लेवल 1 के करीब 1.03 लाख पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2022 से कई चरणों में होगा। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में अंतिम बार हुई जवानों की पासिंग आउट परेड। बीते दिन दानापुर बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 293 जवानों के अंतिम पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसके बाद ही सेना बहाली के लिए अग्निवीर जवानों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इन सब के बीच बिहार रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर की माने तो अग्निवीर बहाली और पासिंग आउट परेड की प्रक्रिया भी इसी तरह से होने वाली है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर ने जवानों और उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया। बीते दिन हुए पासिंग आउट परेड के बाद इन जवानों को देश के अलग अलग हिस्सों में देश की सुरक्षा के लिए उनके कंधे पर जिम्मेवारी सौंपने का काम होगा। इससे पहले बिहार रेजिमेंटल सेंटर के कई अधिकारियों ने जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। सिवान के प्रियांशु की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। जरूरतमंदों के लिए मसीहा बने सोनू सूद अब एक बार फिर से अपनी दरियादिली दिखाने जा रहे हैं। इस बार वो सामने आए हैं सिवान के जुरादेई प्रखंड के बंधु श्रीराम गांव की रहने वाली प्रियांशु के मदद के लिए। जैसे ही प्रियांशु की खबर मीडिया में सामने आई, इसके तुरंत बाद ही सोनू सूद ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसको लेकर सोनू सूद ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि चलिए अब दोनों पैरों से नई शुरुआत करें, सामान बांधिए प्रियांशु। हालांकि प्रियांशु के परिजनों को इस ट्वीट की खबर नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रियांशु हर दिन 1 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने के लिए एक पैर से स्कूल जाती है। प्रियांशु ने मीडिया में उसकी खबर आने के बाद बताया था कि स्कूल जाने के लिए अच्छी सड़क भी नहीं है, अगर उसे कृत्रिम अंग मिल जाए तो वो चलकर स्कूल जा सकती है। गोलघर के अंदर अब फिर से देख सकेंगे लेजर शो। पटना की पहचान से पहचान बनाने वाले गोलघर की पूछ अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही गोलघर के अंदर फिर से दर्शकों को लेजर शो का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। हालांकि गोलघर की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में पिछले कई सालों से गोलघर की स्थिति ठीक की जा रही है, लेकिन अब नए सिरे से अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से नए रंग रूप में लेजर शो दिखाने की कोशिश होगी। इसको लेकर कला संस्कृति और युवा विभाग ने एजेंसी की खोज शुरू कर दी है। इसकी जानकारी कला संस्कृति एवं विभाग के अपर सचिव दीपक आनंद ने दी है और बताया है कि लेजर शो के संचालन और रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। ऐसे में इच्छुक एजेंसी 15 जुलाई तक टेंडर जमा कर सकती है, जिसके बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले महीने से दर्शक पहले से बेहतर लेजर शो का आनंद ले सकेंगे। बिहार ओएफएसएस एडमिशन के लिए अभी भी कर सकते हैं अभ्यर्थी आवेदन। बीएसईबी ओएफएसएस एडमिशन या कक्षा 11वीं में एडमिशन के अगर आप इच्छुक हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। ऐसे में वो कैंडिडेट्स जो इच्छुक होने के बावजूद किसी कारण से अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और अब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जून थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 5 जुलाई 2022 तक कर दिया गया है। ध्यान रहे एडमिशन फीस 350 रूपए है। अन्य जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। ये भी बता दें कि इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन 22 जून से शुरू हुई थी, 30 जून आवेदन की लास्ट डेट थी, जिसे अब और आगे बढ़ा दिया गया है। पटना में महफिल मुशायरा का होगा आयोजन। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 17 जुलाई को पटना में महफिल मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पटना की प्रेरणा भी भारतीय नृत्य कला मंदिर सभागार में अपनी शायरी पेश करने वाली है। इसमें उनके साथ ही देश और दुनिया के विभिन्न शहरों से आए 10 नामचीन शायर शिरकत करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस मुशायरे में दुबई की साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था निविष्टा की तरफ से पटना लिटरेरी फेस्टिवल के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। बिहार के लोगों के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि दुबई की कोई संस्था पटना आकर यहाँ शायरी और तहजीब को बढ़ावा देने के लिए कोई आयोजन कर रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों पर बढ़ा भरोसा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों पर कोरोना काल के बाद से लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्कूली शिक्षा पर बनी रिपोर्ट में बिहार कई मानकों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में अव्वल रहा है, इस बात की जानकारी दी है। देशभर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, जो कि देशभर के आंकड़ों के मुताबिक 16.18% है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट के बाद बिहार के अभिभावक का राज्य के सरकारी स्कूल पर भरोसे में बढ़ोतरी हुई है। बीते सालों की तुलना में 2020-21 में सरकारी स्कूलों में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के विभिन्न जिलों में आज भी बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट।
बिहार में मॉनसून इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अगले दो दिन के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट तक जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिनों में बिहार के तकरीबन सभी क्षेत्रों में भारी से हल्की मध्यम दर्जे की भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग का मानना है कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है उसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर का नाम शामिल है। बिहार भाजपा ने आधार वोट बढ़ाने के लिए बनाया नया प्लान। बिहार में हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता मौका दस्तूर देखने का काम नहीं करते। यही कारण है कि भाजपा अभी से ही आधार वोट को बटोरने में लगी हुई है, जिसके तहत ही भाजपा अब अगले सप्ताह तक संगठन स्तर पर कई कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है, जिसमें प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को बताना और समझाना है। जिसके तहत ही भाजपा प्राथमिकता में है कि केंद्रीय योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें मतदाता के रूप में परिवर्तित करने की तैयारी हो रही है। इसमें सबसे पहले सदस्यता अभियान की भी शुरुआत हो सकती है। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद तारकिशोर ने दिया बयान। तेलंगाना के हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर में बीते दिन से भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें ही देश भर से 350 सदस्य शामिल हो रहे हैं। बीते दिन मीटिंग में शामिल होने बिहार से भी कई लोग वहां पहुंचे थे, जिसमें एक नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का भी था। वहीं मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई बातें कही हैं, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि हम संख्या बल को लेकर के नहीं चलते, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना हमारे लक्ष्य में है, जिसमें हम अवश्य ही जीत हासिल करेंगे। यहां बता दें कि 18 साल के बाद तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए में शामिल सभी दल भले ही ऑल इज वेल की बातें कह रहे हों, लेकिन बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी जारी है। जदयू और भाजपा के नेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे, जब से एनडीए है तब से ही नीतीश कुमार है और यही इसके चेहरे हैं। इसको लेकर कुशवाहा ने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार इज एनडीए एंड एनडीए इज नीतीश कुमार। राजद और जदयू की विचारधारा सैद्धांतिक रूप से एक है, व्यवहार में जरूर अंतर है। अगर इस मामले को लेकर किसी भी व्यक्ति या नेता के मन में संदेह है तो उसे तुरंत निकाल दे। हालांकि इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा ये जानकर इसे जानकार यही मान रहे कि भाजपा के लिए ही ये इशारा था। प्रधानमंत्री मोदी से तेजस्वी पूछेंगे सवाल। आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। यहां पर ही वो विधानसभा भवन शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके बाद ही अब पीएम मोदी के आने से पहले ही बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। जानकारी के अनुसार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस बात के संकेत दिए हैं और कहा है कि पीएम मोदी 12 जुलाई को बिहार की धरती पर आएंगे। बिहार की जनता भी खोज रही है और बिहार के नौजवान विशेषकर खोज रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांगा था, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम से कहेंगे कि विशेष पैकेज कितना दूं, 1.25 लाख करोड़ दिया था, क्या है, कहां है, क्या डबल इंजन में दोनों इंजन टकरा रही है। बिहार में सरकार बनाने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। बिहार एनडीए में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सत्ताधारी गठबंधन में भाजपा और जदयू दोनों के शीर्ष नेताओं की तरफ से लगातार कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी की गई है, जिसके बाद ही अब एनडीए के बीच चल रही रार का फायदा लेने की जुगत में कांग्रेस लग गई है, जिसके संकेत कांग्रेस पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने दी है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि भाजपा और जदयू दोनों में अच्छे संबंध नहीं है, इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर बिहार में विपक्ष एकजुट हो गया तो किसी दिन सरकार गिर जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्ष अगर एकजुट हो जाती है तो सरकार बनना तय है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा और जदयू दोनों दलों के बीच अंतर्द्वंद बढ़ा है, एक गठबंधन सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल सम्राट के आदेश पर 1746 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को फांसी दे दी गई थी। 1710 में उन्होंने मुगलों को हराया था। मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को 1879 में गिरफ्तार किया गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर हुए।
भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के बीच 1972 में कश्मीर संबंधी निशस्त्र समझौता हुआ। कोलकाता में दूसरे हावड़ा पुल के नाम से मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण 1979 में हुआ। महेश भूपति और मैरी पियर्स ने 2005 में विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता। अंचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2017 में नियुक्त हुए थे। मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र शाह शुजा मुगल का जन्म 1616 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन 1996 में हुआ था। पटना में शुरू हुआ राजद का सदस्यता अभियान। बिहार में आम मतदाताओं में अपनी विशेष पकड़ बनाने के लिए राजद ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत ही राजद ने बीते दिन से पटना के 75 वार्डों में पार्टी के सभी 75 विधायक सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और लोगों के बीच में जाकर उनको पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। इस अभियान में पार्टी के तमाम MLC और बड़े से लेकर छोटे स्तर के सभी नेता सहयोग करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यह विशेष अभियान कैंप पटना महानगर के सभी वार्डों में लगाया जा रहा है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जल्द ही इस अभियान में शिरकत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी का मेंबर बनाने के लिए अपने नेता MLA MLC को उत्साहित करेंगे। मई में इस कारण बैन किए गए 19 लाख व्हाट्सएप अकाउंट। व्हाट्सएप आज के समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप है। ऐसे में व्हाट्सएप भी समय समय पर लोगों को सावधान करता रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप आपत्तिजनक और संवेदनशील कंटेंट के रोकथाम के लिए शुरू से सख्त है। इसी क्रम में व्हाट्सएप ने मई में 19 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया। दरअसल व्हाट्सएप ने नई IT नियम 2021 के अनुपालन में भारत में अपनी मंथली रिपोर्ट का 12वां एडिशन प्रकाशित किया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के लेटेस्ट एडिशन में कंपनी ने बताया है कि उसने 1 मई से 31 मई 2022 के बीच अपने प्लेटफॉर्म से 19 लाख से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। किशोर दास का 30 साल की उम्र में निधन। असमिया अभिनेता किशोर दास का निधन हो गया है। वो कैंसर से जूझ रहे थे। किशोर दास के निधन से असमिया इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 30 साल के किशोर दास का इलाज चेन्नई में चल रहा था। कुछ समय तक उनका इलाज गुवाहाटी में भी हुआ। बेहतर मेडिकल सुविधाओं को देखते हुए वो पिछले साल मार्च में चेन्नई पहुंचे थे। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। किशोर दास ने बीते महीने में अस्पताल से एक तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि उनका 4th स्टेज का इलाज चल रहा है। बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 226 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1114 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 10, औरंगाबाद में 1, बांका में 8, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 10, भोजपुर में 2, दरभंगा में 2, गया में 6, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 5, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 2, नवादा में 0, पटना में 114, पूर्णिया में 1, रोहतास में 8, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 3, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 2, सुपौल में 1, वैशाली में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,25,971 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 142 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, बबीता यादव, गौतम कुमार, अमर आजाद, प्रिया यादव ऑफिशियल, कुश कुमार यादव, नागेंद्र सहनी, राजीव कुमार, श्वेता रॉय, सुष्मिता सिन्हा, अतीक खान, ललित कुमार, पांडव कुमार, बलराम कुमार, अनिल कुमार, संध्या सिंह, प्रकाश कुमार, भोला पासवान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में विकास कार्यों को बढ़ावा देने में नीतीश सरकार सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।